दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, खाने का जो निवाला होता है वो हमारे गले में अटकने लगता है या फंसने लगता है और हमें ज़्यादा घुटन महसूस होती है और हम पानी लेते हैं घोट घोट करके, तब जाके वो निवाला हमारे पेट में उतरता है, राइट। तो इसका रीज़न क्या है आज हम इस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम अपने नाक और माउथ की नली की बात करें तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और वह जाके खुलते हैं हमारे गले में, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स से दो नली निकली हुई है, एक जो नली है वो सीधे हमारे पेट में यानी कि पाचन तंत्र में जाती है और एक जो नली हमारे गले से वो सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है, राइट। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो पाचन नली है वह खुल जाती है और हम आसानी से भोजन को अपने अमाशय में ग्रहण कर लेते हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं या जब आप बात कर रहे होते हो या बोल रहे हो तो या हंस रहे होते हैं आप, तो उस कंडीशन में आपकी श्वास नली खुल जाती है और आसानी से आप बातें कर लेते हो, यानी कि ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाता रहता है। तो इस तरह हम खाना खाते हैं और बातें कर लेते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, राइट। तो दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जब हम बातें करते हैं आपस में खाना खाते समय, या हंसते हैं या जल्दीबाजी में हम खाना खाते हैं, तो उस समय होता क्या है कि भोजन नली तो खुली रहती है, भोजन तो आसानी से पेट में जा रहा होता है, लेकिन अभी मैंने बताया कि बात करते समय हमारा श्वास नली भी खुल जाता है। तो श्वास नली खुल जाता है और जो खाने की जो कण है कभी कभी श्वास नली में जाकर फंसने लगते हैं। जब श्वास नली में फंसेंगे और तब क्या होगा, जब सांस हम सही से ले नहीं पाएंगे तो हमें घुटन महसूस होगी, लगेगा कि गले में कुछ अटका हुआ है, राइट। यहीं पर पता चलता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो उस कंडीशन में हमें जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और पानी को हम गिलास में लेकर जब पीते हैं घोट घोट करके, तब जाके वो खाना हमारे पेट में उतरता है। तो दोस्तों कभी भी खाना खाते समय हमें बातें नहीं करना चाहिए, हमें चुपचाप सावधानीपूर्वक इत्मीनान से बैठ के खाना को खाना चाहिए, राइट। दोस्तों कभी कभी कुछ लोगों में यह समस्या बार बार होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग खाना खाते हैं तो बार बार खाना उनके गले में अटकता है। तो दोस्तों हो सकता है कि उनके जो भोजन नली है उसमें सूजन हो सकता है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या कुछ लोगों में जो लार होते हैं वे ज़्यादा नहीं बनते, कम लार बनते हैं, इसीलिए जो हमारा भोजन होता है वो सही से ले ही नहीं बन पाता है, इसीलिए भोजन नली में उतरने में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर यह समस्या आपको बार बार उत्पन्न होती है तो आप अपने फिजिशियन यानी कि डॉक्टर की सलाह लें और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करें, आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम ऐसे ही जानकारी संबंधी वीडियो अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। ऐसे ही जानकारी संबंधी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बाई मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।